हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, विच इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स गो एंड बिगिन विद इट। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा लूसियो रॉड्रिक्स के द्वारा लिखा गया है, जो एक कोंकणी एसेस थे। इन्होंने कोंकणी और इंग्लिश लैंग्वेज में मैगजीन्स के लिए कई आर्टिकल्स लिखे। ह्यूमर को बहुत ही सरलता के साथ एक्सप्रेस करना इनकी राइटिंग का एक बड़ा फीचर है। अब बेकर फ्रॉम गोवा की स्टोरी सालों पुराने गोवन कल्चर के अराउंड घूमती है, जब गोवा में पोर्तुगीज का शासन हुआ करता था। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। तो अब हम आगे चलेंगे और इसके स्टोरी को देखेंगे। गोवा का बेकर, गोवा प्लेस का एक ऐसा पर्सन जिसका ओरिजिन सालों पहले हुआ, लेकिन आज भी गोवा के कल्चर में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ऑथर कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बड़े शौक से उनके ज़माने की कहानियाँ सुनाया करते थे, जो उन दिनों गोवा में पोर्तुगीज का राज था। पोर्तुगीज तो चले गए, लेकिन गोवा में ब्रेड का कल्चर पीछे छोड़ गए, जो आज भी फॉलो हो रहा है। आज भी गोवा में ब्रेड बनाने वाले कारखाने और उसके इंस्ट्रूमेंट जैसे मिक्सर्स एंड मोल्डर्स, जो ब्रेड बनाने के लिए काम में लाए जाते थे, वो आज भी हमारे पास हैं। सालों पुरानी फर्नेंसेस, जिसे हम भट्टी भी कहते हैं, वो आज भी हमारे पास हैं। वो समय तो निकल गया, लेकिन उन फर्नेंसेस की आग अभी तक नहीं बुझी है, और गोवा की कई जगह पर बांस की लकड़ियों में लगी घंटी की आवाज़ आज भी गोवा में सुनाई देती है। गोवा की न्यू जनरेशन ने उनका बेकरी का फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाया है, जिसे उनके पूर्वजों ने शुरू किया था, और आज भी वहां बेकर को पैडर के नाम से भी जाना जाता है। ऑथर बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड डेज में बेकर उनका फ्रेंड हुआ करता था, जो दिन में कम से कम दो बार दिखाई देता था। पहले सुबह जब वो ब्रेड बेचने के लिए निकलता था, और दूसरी बार शाम में जब वो ब्रेड बेचकर खाली बास्केट के साथ लौटता था। उसकी घंटी की आवाज़ सुनकर हम उससे मिलने के लिए भागते थे। अब ऐसा क्यों? क्यों भागते थे? क्योंकि हमें ब्रेड अच्छी लगती थी? द आंसर इज नो। ब्रेड तो हमारे घर के सर्वेंट पैस्टन और बास्टन के द्वारा खरीदी जाती थी। हम तो उन स्वीट ब्रेड के लिए भागते थे जो बैंगल्स के शेप में हुआ करती थी। वो ब्रेड हमारी फेवरेट हुआ करती थी। बेकर की एंट्री बहुत ही म्यूजिकल थी और बहुत ही शानदार हुआ करती थी, जहां वो एक तरफ बांस की लकड़ी को एक हाथ में पकड़कर ज़मीन पर मारकर बेल्स को बजाता था, वहीं दूसरे हाथ से वो अपनी बास्केट पकड़ता था। वो सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करता था और बैम्बो पर बास्केट को टिकाता था। फिर सर्वेंट सभी बच्चों को साइड से हटाकर ब्रेड लेते थे। फिर हम बेंच पर या फिर शॉर्ट वॉल पर चढ़कर उसकी बास्केट में झांकते थे, और आज भी उसकी ब्रेड की फ्रेग्रेंस ऑथर के दिमाग में घूमती है, स्पेशली स्वीट बैंगल्स ब्रेड की। ऑथर कहते हैं कि उस समय जब हम सुबह सुबह बिना मुंह धोए और ब्रश किए हुए बेकर की ओर भागते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गर्म चाय के साथ ब्रेड खाकर मुंह अपने आप साफ हो जाएगा, तो ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता। ब्रश करना तो महाबोरिंग काम हुआ करता था। बिना ब्रेड गिफ्ट किए कोई भी मैरिज फंक्शन या फिर पार्टी कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। इट वॉज इनकम्प्लीट विदाउट द ब्रेड। बेकर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। बेकर की ब्रेड से बनी सैंडविचेस को डॉटर्स की एंगेजमेंट में खिलाया जाता था। गोवा में आज भी बोलेनास, जो एक तरह का बिस्किट है, उसे एज अ क्रिसमस गिफ्ट किया जाता है। उन दिनों बेकर जो ड्रेस पहनते थे उसे कबाई के नाम से जाना जाता था, जो एक सिंगल पीस फ्रॉक टाइप ड्रेस होती थी जो नीज हाइट तक होती थी। ऑथर के टाइम पर बेकर को शर्ट एंड हाफ पैंट से थोड़े से बड़ा ट्राउजर में देखा जाता था। अगर आज भी कोई ऐसे कपड़े गोवा में पहनता है
तो उसे पैडर से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है। बेकर मंथ के लास्ट में उसका बिल कलेक्ट करता था और वो घर की एक दीवार पर पेंसिल से हिसाब लिखता था। उन दिनों बेकिंग प्रोफेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था और बेकर की फैमिली अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करती थी। खाने पीने की घर में कोई कमी नहीं थी और वो मोटे ताजे हुआ करते थे। सो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा का एक्सप्लेनेशन। सो होप कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और आगे आने वाले आपके चैप्टर्स की स्टोरीज के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके चैप्टर्स के स्टोरीज के वीडियो आपको मिल जाएं। सो तब तक के लिए खूब सा ख्याल रखिए अपना। आई विल कैच यू लेटर। बाय बाय।